ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। पुराना प्यार हुआ जग जाहिर, नाबालिग माशुका ने पहुंचाया आशिक को पुलिस थाने। मामला जिला गुरदासपुर के इलाके बटाला का है। यहां पर आशिक की नाबालिग माशुका ने पहुंचाया अपने ही आशिक को 2 साल बाद थाने। बीते दिन एक निजी सोशल मीडिया चैनल पर नाबालिग लड़की के तथ्यों के आधार पर खबर चलाई गई थी, जिसमें 16 साल नाबालिग लड़की ने अपने ही प्रेमी पर आरोप लगाए कि मेरे को कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाकर मेरी वीडियो बनाई गई और मुझे लड़के के तरफ से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस सारी घटना की सच्चाई जानने के लिए जब हमने लड़के तक पहुंच की तो लड़के ने अपने पर सारे लगे इल्जाम बेबुनियाद बताए और उल्टा लड़की की तरफ से मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है और 1.5 लाख की मांग की जा रही है। अगर मैं रुपए नहीं देता तो मेरे को किसी झूठे केस में अंदर करवाने की लड़की की तरफ से धमकी दी जा रही है। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं कहाँ से लड़की को 1.5 लाख रुपए दूंगा। पीड़ित लड़के की चाची ने बताया कि लड़की द्वारा उसके भतीजे को लगातार तंग परेशान किया जा रहा है। यह गरीब परिवार है, पिता इसके मजदूरी करते हैं। यह परिवार 1.5 लाख रुपए की डिमांड लड़की की कहां से पूरी करेंगे। लड़की की बहन द्वारा किसी भी तरह की लड़की को धमकी नहीं दी गई, लड़की को घर ले जाकर समझाया गया था। लड़की के पिता ने बताया कि हमारी लड़की की 2 साल पहले इस लड़के के साथ फ्रेंडशिप रही थी। लड़का अच्छा ना होने के कारण लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया। हमारी लड़की की तरफ से किसी भी तरह से लड़के से पैसे की मांग नहीं की जा रही है। अगर लड़का गलत है तो हमारी लड़की भी उसके साथ उतनी ही गलत है। लड़की की पड़ोसन एकता ने बताया कि लड़की की फ्रेंडशिप 14 साल की उम्र में हो गई थी, अब उसने ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि लड़का अच्छा नहीं था। लड़के की बहन मेरे सामने इनके घर आकर बहुत बुरा भला बोलकर गई थी। वाइस प्रधान ह्यूमन राइट्स संरक्षण संस्था की गीता शर्मा ने कहा कि जब इनकी खबर सोशल मीडिया पर देखी तो उसमें लड़के का पक्ष नहीं रखा गया, जिसके चलते हमने लड़के को ढूंढा और उससे सच्चाई जानी तो वो सब लड़की के बयानों से उल्टी थी, जिसमें लड़के ने सारे अपने पर लगे आरोप बेबुनियाद बताया है और लड़की की तरफ से 1.5 लाख रुपए की मांग को बताया है और साथ में झूठे पर्चे की धमकी देकर उल्टा लड़के को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जानकारी देते हुए DSP परविंदर कौर ने बताया कि लड़की द्वारा शिकायत की गई है और उसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। जड़ी लड़का है ना, इदी कोई महल सहेली हैगी है कुड़ी, उदे थ्रू इदी मुड़े नाल गलबात हुई है सहेली थ्रू, फिर वह जरा भरा ही उदी भैन दे नाल भरा नाल गलबात हुई है। वह जड़ी उदी भैन सी मुड़े की, वो नाल गलबात करांदी ही, कहंदी ही कि ए भरा मेरा ते गलबात इंदी आपस च उन्हें करवा दी। ठीक है, लड़की वालों एक आरोप लगाए गए थी कि कोल्ड ड्रिंक दे विच कुछ पा के दिता गया। हां जी हां जी, एक बारी कोल्ड ड्रिंक दे पा के दिता जाए, दूसरी लड़की की लैंदी थी। दूसरी नाल लड़की असी ना ब्लैकमेल करदी पई सी, मुड़ा ब्लैकमेल करदा पिया सी कि जे तू उन्हें ना उसकी वीडियो बना लेगी, कोई उदा गलत वीडियो बना ले, उसी ब्लैकमेल करता ही मुड़ा, फिर उसी जबरदस्ती जाने पाता ही। उसने वो पेपर लेने वास्ते कुड़ी गई, उन्हें रस्ते च रो के उन्होंने चबेड़ा मारे, कहता कि मेरे नाल चलो। ठीक है, लड़की ने मना करी दिता तो उन्हें फिर दूसरे दिन उसकी जी गर्ल फ्रेंड ही, जे वो जे मेरी गल ये सुनो कि जे मुड़े की यह गर्ल फ्रेंड है फिर दूसरे रखने की कोई लोड़ ही नहीं। चैटिंग हूँ कोई भी ऐरा गैरा भी कर सकता, उसके कन्ने 20 लड़कियां 20 लड़के कोई और भी करी सकता, जरूरी नहीं साड़ी लड़की करी सकती। मुड़ा गलत हैगा भाजी, गलती रहेगा। साड़ी कुड़ी ने इन्नी गलती कि उन्हें फ्रेंडशिप की थी पर उसका ब्रेकअप हो गया, 2.5 साल हो गया ये, फिर उसका मतलब ही नहीं कि इस कुड़ी ने करना। सर वो नहीं, 3 साल हाँ जी, 2 साल की गलबात होनी है। हाँ जी हाँ, पहली गल कि मेरी भी स्नैपचैट बारे में पता नहीं थी, जिदा ही न्यूज फ्लैश हुई है हम सब ने व्हाट्सएप से मिली है। अभी पहले तो कोशिश की कि लड़के का पता कराया जाए कि कौन लड़का किन्ने इस लड़की के नाल आपस किया। हर एक इमोशनल स्टोरी में हर एक इंसान इमोशनल होता है, साड़िया भी धीं हैं सारे बच्चों को करेगा, अभी भी 16 साल चुका होंगे। बट जो मेरे स्टैप चुकन के बाद जब मैं पता करवाया इस लड़के का, तो मैं तुम्हें भी इन्फॉर्म किया, सब ने मैं कहा कि सच्चाई पता चली है कि अगर लड़की ने इन्ना कुछ हो गया फिर पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कुछ किया,
आखिरकार आज पुलिस इतनी कमजोर होगी कि लड़की बतेज गंदियाँ संख्या भी चेंज हो जाने उन्हें क्या नहीं मारा गया वा सीट कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बारे में सोचिए कि अभी तक मीडिया ने कार्य की न्यूज फ्लैश कर चुके हैं, सब दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। मैं लड़की बारे सारा कुछ देख ही लिया कि जो कुछ न्यूज से बोलिया वा, तो उसके बाद मैं लड़की का पता करवाया, लड़की ने पता करवाने के बाद लड़की पूछा गया वा इधर आके हम स्टोरी सारी उल्ट होगी। लड़का बोलन गया कि मेरे 2 साल के रिलेशन है लड़की के नाल, उसके बाद 1 साल मेरे 2 साल में मेरा ब्रेकअप हो गया, वो किसी और रिलेशनशिप पर आ गई। मैंने आज तक ये पता चला कि लड़की है तो ना, चलो तो ही पता करवा ही लवेंगे लड़की को ना कोई नहीं। उसके बाद मैं लड़के ने पूछा कि अगर तेरा टूट गया थी फिर तू सब पर क्यों मारा हूँ। कारण उन्हें दस कि उन्हें दीदी मेरे वालों क्योंकि मेरी फैमिली वालों तो उसकी फैमिली वालों ये गल कमिटमेंट हो चुकी हुई थी कि अगर तेरा तुम्हारा लड़का उसे आएगा तो मगर चाहे उन्हें मार देवे तो जो साड़ी कुड़ी इस लड़के मगर आएगी तो तीन ही पेड़ा मार देंगे। बस इस लड़ू जो लड़के का बर्थडे आया वा जो लड़के ने ब्याह नहीं कि मेरा बर्थडे आया वा तो कहना दीदी मेरे महल चाहिए है जो मेरा साल तो बोल चाल नहीं है इन्हें मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मिलवाया वा ईवन तक कि इन्हें मैंने तंग करती पी सी मैंने चेक तेल मैंने यकीन नहीं होया कि यह मुझे सच बोल सकते वा जो मेरा मोबाइल चेक किया वा तो मोबाइल पर मैं चैकिंग देख के मैं खुद ही हैरान हुई हाँ कि वो लड़की कह दी थी कि मैं ये मेरे मगर आन दिया वा वो चैटिंग के दौरान देखा जाए तो चैटिंग से वो लड़की कह दी कि मेरे नाल गल करो तो मेरी एको ही मांग है कि एस एस पी साहब करो और डी एस पी साहब करो कि जो सच्चाई है उन्हें सामने लिया जाए इस लड़के के मोबाइल की डिटेल कटी जाए ईवन तक कि व्हाट्सएप से डिटेल कटी जाए और लड़की की भी शायद जो ये कसूरवार पाया जाता है वो तो सख्त कार्रवाई की जाए ना जुर्माना पाया जाए क्योंकि छोटे जहाँ गलत के बयान किसी छोटे जहाँ गलत बयान देने के बच्चे का फ्यूचर खराब होता है और पब्लिक रहने के लायक नहीं रहता। तो मैं नहीं चाहती ये कोई भी अगर ये गलत है ऐसे कार्रवाई की जाए अगर वो गलत है सेम कार्रवाई वैसे की जाए जिन्हें तो पेड़ मारी है इन्हें मैंने दसा था कि मैं पुलिस वाले ने थप्पड़ मारे ने तो बैठक लड़ाई हुई और कहता भी है कि मेरे लाइक किया था कि मैं थप्पड़ नहीं मारना चाहिए थी मैंने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा ही समझ में समझ रहा कि अगर वह रिलेशन नहीं थी तो लड़की ने जबरदस्ती नहीं आना चाहिए थी मेरे घर अगर उन्हें दूसरे थप्पड़ मारे ना उसका कसूरवार सी उस जान मिलती है। बट मेरी मांग ये है कि जो सच्चाई है वो सामने आए दोनों की व्हाट्सएप चैट 2 साल पुरानी कटी जाए अगर वो रिलेशनशिप से हैगी थी फिर गलत ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है। जो 1.5 लाख की मांग है वो भी सारा सा जो चार से भी है वो डी एस पी मैम ने गुजारिश कर दी है कि साइबर क्राइम के कोल में ये सारी जांच की जाए जो जल्द से जल्द ही कार्रवाई की जाए। एक कुड़ी होर भी ये नाल तो उ खलोता रहा ही मुंडा झाड़ देने 2 दिन चपेड़ा कट के मारिया हाँ जी तो चपेड़ा मारिया तो कुड़ी ने घर नहीं दसिया मेरे ना यह काम होया वा यह गल हुई है तो गलती तो बहुत जी ओरी हो जाएगी मुंडे की लड़की पिछले गई ना तो क्यों जाती थी पिछले नहीं अभी यह नहीं कहते कि मुड़े का कसूर है कसूर दोनों का पाऊगी साड़ी दो थाना होगी एक नहीं बस नहीं और तो कोई नहीं जो बंदा काम ही नहीं करता उन्हें 1.5 लाख कितों लेना 1.5 रुपया नहीं देखो ना 1.5 लाख तो बड़ी दूर की गल है। लड़की की गल तो उस लड़के का कितनी देर तो यह बहुत ही वो है वो 1.5 साल हो गए चलो गल नहीं बढ़ गई फिर नवे फिर उन्हें तुर गया मेरी नॉलेज से मसला आया है मैं पता लगा है कि यह दरखास्त किसी ने दी हैगी है जी कि मैंने मार्क हुई है मेरे को आई नहीं है दरखास्त अजय मेरे को आ जाती है तो अभी पूरा मसला जरा वेरीफाई करके जो भी फैक्ट निकलेंगे वो बेस से अभी अगली कार्रवाई लिया तो मैडम नहीं हजे किसी के बयान नहीं है हजे दरखास्त मार्क हुई जरूर है पर मेरे को आई नहीं है देखो जी दोवे धिरों में सुनया जाएगा फैक्ट सामने आएंगे जोड़े भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई उन्होंने ली जाएगी। ये साहब 2 साल पहला इन्हों का आपो रिलेशन बनया बच्चों का मुड़ के इन्हों की आपो पता नहीं की गलबात हुई इन्हों का साल फिर बच्चों हट गया फिर ये मम्मी भी ये बेटी भी घर आते जाते रहे मिलते जलते रहे मुड़ के फिर इस कुड़ी ने रिलेशन कट के किसी होर बच्चे का रख लिया उस बच्चे ने इन धमकी दिखती मारिया भी सही इन्हू ठीक है मुड़ के फिर इन्हें बर्थडे से आई आ मुड़ के कई धमकियां देंगे रही है कि तू मेरे ना ब्याह करा फिर इस कुछ इन्हें कहा कि मैं तेरे नाल नहीं रिलेशन कर सकती ठीक है उतों इन्हों की पेटा गुटी करती फिर पछाँ हट गया
ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਪਾਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਹਵੇ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਚੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ 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 ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸਰ ਸਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਆਈ ਘਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਗਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜੇ ਹਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾ ਕਹਿ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਗਲੀਏ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਗਲੀਏ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਘਰੇ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਕੇਰਾਂ ਚਕੂਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਚਕੇਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚਕੇਰ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ ਚਕੇਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਝੂਠੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਝੂਠ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਹਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਟੀਚਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਜਾਣ ਕੇ ਧਮਕੀ ਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਘਰੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ